नमस्कार, इन बीसीएन के दर्शकों का हम इस चर्चा में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दौर है कोरोना का, कोविड-19 का, सब हम लोग परेशानी में हैं। और परेशानी के बीच नागपुर की अगर हम बात करें तो क्या लॉकडाउन होगा, नहीं होगा, या लॉकडाउन होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर जो है बातें हो रही हैं। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रामकिशन ओझा जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामकिशन ओझा जी जो है स्वर्गीय प्रतिभाताई ओझा सेवा स्मृति संस्थान के प्रेसिडेंट है, वहीं वे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी है। सर, मैं भूमिका न बांधते हुए सीधा ही मैं आपके पास में आता हूं, और स्थिति से आप पूरी तरह से अवगत है सर, क्या लॉकडाउन होना चाहिए, यह स्थिति क्या आप अपने नजरे से कैसे समीक्षा करते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन हमने करीबन चार फेस में, पांच फेस में लॉकडाउन हमने देख लिया है। एक जिंदगी हमने बिता दी लॉकडाउन के तहत। लॉकडाउन ही कोई कारण नहीं है कि हम कोरोना का रोकथाम कर पाए जी। मैं इसमें समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक है, क्योंकि लोगों को चार महीने, तीन महीने आपने घरों के अंदर बैठ के उनको बिठाकर जो भी व्यवस्था उनके लिए करनी चाहिए थी उसका पूरा प्रयास किया होगा या पूरी तरह से हुई नहीं होगी। मध्यमवर्गीय लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग जी, छोटे मोटे काम करने वाले लोग तीन चार महीने बहुत परेशान रहे। इस परेशानी के बाद आपने लॉकडाउन शुरू किया, पहला लॉकडाउन हुआ और फिर उसके बाद काम शुरू हुआ। प्रशासन ने कई तरह के नियम लगाए, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी मास्क पे 200 रुपए, कभी किसी पे फाइन, कभी किसी पे फाइन, गाड़ियों के आवागमन, गाड़ियों के आप डबल सीट नहीं जा सकते। लेकिन लोगों को के मजबूरियों को देखते हुए, लोगों के काम करने के उनके इच्छाओं को देखते हुए, मजबूरी ऐसी है कि आज अगर लॉकडाउन आप कर देते तो खाएगा क्या आदमी जी। आज देश की 60% जनता है जो रोजमर्रा के काम करके अपनी दिनचर्या चलाती है, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन जिस ढंग से किया गया जी, और जिस ढंग से करने का प्लान चला, जिसको संचार बंदी कहा जाता, कर्फ्यू कहा जाता जी, विच इज संचार बंदी, लॉकडाउन नहीं हुआ, लॉकडाउन नहीं हुआ, ये इसके तो हम पूरी तरह विरोध में हैं, ये नहीं होना चाहिए। नागपुर को अगर लिया जाए, नागपुर शहर की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमारे नागपुर की राजनीति के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं पीसे गए हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के बीच में समन्वय का काफी अभाव भी देखने को मिला, जिसकी वजह से आज ये नौबत? बिल्कुल, ये पूरी जनता ने देखा है, पूरे शहर ने देखा है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच में बहुत बुरी तरह मनमुटाव हुआ जी, जिसके कारण ये पिछले एक महीने में, मैं समझता हूँ, हो सकता है जनता ने भी देखा है और वो खुद भी देख रहे हैं कि जब से इनके आपसी मनमुटाव हुए हैं उसके बाद से ही कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों का और प्रशासन का ध्यान जनता को अनुशासन बताने में कहीं न कहीं चूका जी। मतलब वो अब जो देखा गया है कि आप एक दूसरे पर, प्रशासनिक जो अधिकारी जो है वो जनप्रतिनिधियों पर आक्षेप ले रहे हैं, जनप्रतिनिधि प्रशासन पर आक्षेप ले रहा है, इसके बीच में जनता के साथ में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो समझ से परे। जनता इसमें परेशान हो रही है, जनता की इसमें कोई गलती नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा नागपुर शहर के जनप्रतिनिधि से और सम्माननीय कमिश्नर साहब से कम अगर आप पिछले महीने में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन का ध्यान इस काम के तरफ से चुका है। मेरा सबसे निवेदन है कि ये जनता इस वक्त तकलीफ में है, देश तकलीफ में है, पूरा विश्व तकलीफ में है। आप दोनों जिनकी जिनके मनमुटाव है, जो भी पक्ष हैं, उन्होंने साथ में आना चाहिए। मैं किसी एक को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये जनता समझ चुकी है और जनता के ध्यान में बात आई है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन के अंदर में जिस तरह से नागपुर शहर में पुलिस विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नागपुर महानगर पालिका ने जी, जिस तरह से मिलजुल कर काम किया, जनप्रतिनिधियों ने उनका साथ दिया, और हम जिस तरह से हमने कोरोना के मरीजों की संख्या कम रखी, हमारे यहाँ मृत्यु की संख्या कम हुई जी, अचानक ऐसा क्या हो गया इस शहर में कि सारे आंकड़े उलट गए, कहीं न कहीं
जनता को हम दिशा निर्देश देने वाली जो संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं चूकी है। पुलिस अपना काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमारे जनप्रतिनिधियों को और प्रशासनिक जो मुख्य अधिकारी हैं उन लोगों को आपस में बैठ के तालमेल बिठाकर ये काम को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि संचार बंदी डालकर उनके ऊपर दबाव बनाना या उनका उनकी दिनचर्या को अलग करना, ये कहीं उचित मुझे लगता नहीं। ये मेरा इसमें मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है। आज जो आदरणीय कमिश्नर महोदय है उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात की लोग जनता के साथ में, नागपुर की जनता के साथ में, और वो बात मतलब एक प्रकार की एक भयावह स्थिति जो है उससे अवगत कराते हुए उन्होंने एक डर भी दिखाया कि अगर ये स्थिति कंट्रोल में नहीं आई तो कहीं ना कहीं जो है लॉकडाउन करना पड़ेगा, और जैसा आपने कहा कि वो संचारबंदी स्वरूप होगा। अब अगर ये ऐसा होता है तो क्या जब हम अनलॉक की स्थिति में हैं तो क्या इस स्थिति को ही संचारबंदी या अनलॉक के नियमों का पालन लोगों से करवाना ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, इसमें मैं एक बात तो आपको कहना चाहूँगा कि हमारे नागपुर के कमिश्नर बहुत सक्षम अधिकारी हैं जी, और ये उन्हीं की देन है कि पिछले लॉकडाउन पीरियड में नागपुर शहर में आंकड़ों के ऊपर में आंकड़ों पे नियंत्रण रहा है। उनको काम करना, उनका काम करने का तरीका हम काफ़ी समय से देख रहे हैं। महाराष्ट्र भर में कई जगह काम किया है उन्होंने और बहुत ही समझदार और बहुत अच्छे ढंग से काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं जी। लेकिन ये स्थिति आज की अलग हो गई है। वो अपने सख्त कानून जनता पे डाल के संचार बंदी करना चाहते हैं जी। तरीका इसका यही होना चाहिए कि लोगों को समझाना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, सामाजिक संस्था को साथ में लेना चाहिए, प्रशासन ने उनके साथ कंधे से कंधा मिल के जाना चाहिए, जनप्रतिनिधि ने आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को जाके समझाना चाहिए कि आपको मास्क पहनना है, आपको डिस्टेंस रखना है, आपको सरकारी कानूनों का पालन करना है, ना कि उन पर जबरदस्ती के फाइन लगाना, बड़े बड़े फाइन लगा देना, उनको जबरदस्ती का हरासमेंट करना, यह ना करते हुए उनको ठीक ढंग से प्रशासन समझा सकता है, लोग समझ सकते हैं। इसमें सामाजिक सेवा स्वायत्त संस्थाएं जो है उनको साथ में ले सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स को आप साथ में ले सकते हैं, रिटायर्ड अधिकारियों को आप साथ में ले सकते हैं, उनके एरिया बांध सकते हैं, छोटे छोटे एरिया में नागपुर कवर करके कुछ लोगों को उनकी जवाबदारी दे सकते हैं, घर घर जाकर हम लोगों को ये समझा सकते हैं। ये तरीका हो सकता है कि किसी की मजबूरी है, किसी को काम पर जाना है तो वो जाए, लेकिन ये सब चीज़ों का पालन करे, ना कि सख्ती से संचारबंदी करे। उसमें जो आपने कहा कि जॉब पर जाए, और एक उदाहरण भी दिया, उनके उनके पास में जो सवालों की झड़ी लगी थी उसमें एक आम सवाल ये था कि अगर किसी को ऑफिस जाना है और उस ऑफिस जाने के बदले मान लीजिए कि मेरी जो है मेरी पत्नी जो है किसी ऑफिस में काम करती है, वो गाड़ी चलाना नहीं जानती, उसे ऑफिस जाना तो या तो मुझे छोड़ के देना है या मुझे बच्चे को छोड़ के देना है, लेकिन वो अलाउड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनका यह कहना था कि ये स्थिति जो है ये नॉर्मल स्थिति नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्थिति है, इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि आप सिंगल मतलब जो कायदे कानून उसको आपको पालन करना ही पड़ेगा। एक तो ऐसे में धर्म संकट है व्यक्ति के सामने कि वो ऑफिस जाए तो कैसे जाए, ना जाए तो भी मरेगा। सोल्यूशन इसमें कैसा, देखिए मैं पहले भी मैं इस बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूँ, मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी दिया है कि पुणे और मुंबई में बसें शुरू की गई है जी इमरजेंसी सेवाओं के लिए। जो लोग नौकरी पे जाना चाहते हैं, जिनके पास साधन नहीं है, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं जी, किसके पास गाड़ी नहीं है तो कैसे जाएगा, तो आपने कुछ न कुछ सरकार ने बसों का इंतजाम करना चाहिए। जो अगर काम पे जा रहा है तो उसके पास कोई ना कोई उसकी आई कार्ड होगा, पहचान पत्र होगा, या उसकी जवाबदारी का उस कंपनी का कार्ड होगा, वो दिखाकर उस बस में उसको बिठाए, उसको गंतव्य स्थान पर जो भी आपके रूट डिसाइड हो, उस बसों को नागपुर में शुरू करना, मैं पहले से भी इस फेवर में रहा हूँ कि बसों को शुरू करना अत्यंत आवश्यक है। अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग का आप पालन करके करवा सकते हैं, उसके लिए प्रशासन भी जवाबदारी ले, वो कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है और बोलते जनता को आप जवाबदारी लो, तो प्रशासन की जवाबदारी है, उनके पास कोई यंत्रणाएं हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो लोगों के लिए यूज करें, वो उसको यूज करके उनमें लोगों को पहुंचाए। अगर किसी के पास गरीब आदमी है, अगर 10,000 की तनख्वाह में काम करता है, उसका स्कूटर नहीं है, न उसको रास्ते में ऑटो मिलता है, क्या 5 किलोमीटर पैदल जाएगा वो? नहीं जा सकता, या किसी को छोड़ने बोलेगा तो उसको फाइन हो जाएगा। तो ये सारी चीजों का प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। तुकाराम मुंडे जी बहुत
एक सक्षम अधिकारी, सक्षम अधिकारी है और वे कर सकते हैं। हमारे पास बसेस खड़ी, डेपो में बसेस आज बगैर किसी काम खड़ी, कुछ बसेस शुरू करके लोग को अपनी जगह पहुंचाना चाहिए। सीमित समय के लिए ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इसका जो है एक सुचारू यंत्रणा अगर करे तो आज जो रास्ते पे आपको आप ये बोलते क्या ऐसा ना करे, तो ये ना करे तो फिर क्या करे, इसका भी उपाय योजना जो है। और जैसे कि आप बता रहे थे कि चलिए, और बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया कि चलिए आप एक टू व्हीलर पर दो लोगों को नहीं बिठा सकते, तो ये अगर आप बसेस चालू करते हैं तो एक तो बसेस का भी आवागमन होगा, कहीं ना कहीं महानगर पालिका को एक इनकम भी, रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, और जो लोग घर में बैठे जो ड्राइवर और कंडक्टर्स बैठे होंगे उन्हें भी रोजगार की संधियां जो है उपलब्ध होगी। तो एक और सुचारू रूप से जो है, और मुझे तो ये लगता है कि शायद प्रशासन की इस आवाज को सुनकर जो लोग अपने प्राइवेट वाहनों में जा रहे होंगे वही भी कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइजेशन करें, और इसके ऊपर में जो एक मॉनिटरिंग व्यवस्था अगर अच्छे से करे तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा, और हो सकता है कि फिर लॉकडाउन या संचार बंदी जैसी स्थिति का सामना हमें ना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई में शुरू है, मुंबई में जो मंत्रालय जाने वाले अधिकारी हैं, ऑफिस में जाने वाले अधिकारी हैं, उन लोगों को बसेस हैं, वो अपने आईकार्ड दिखाते हैं, बस में उनको सोशल डिस्टेंस से बिठाया जाता है। और पुणे में शुरू है, हालांकि नागपुर और नागपुर की हम कंपेरिजन करें पुणे और मुंबई से, तो पॉपुलेशन की बात कीजिए या ट्रांसपोर्टेशन की बात कीजिए, एरिया की बात कीजिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये मैं हम लोग इस बात से गुजारिश हमने पहले भी की है मंत्री जी से भी, माननीय नितिन राउत जी से हमने इस बारे में कहा है जी, कि भाई इस मामले में बसेस को शुरू करना चाहिए और उन पर एक जवाबदारी जवाबदेही के साथ उसमें लोगों को बिठाना चाहिए जी। आम जनता जो है ये कोविड 19 के दौर से जो गुजरते जा रही, तो अब एक मतलब हर एक के मन में सवाल है कि भैया लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, लेकिन मार तो कहीं ना कहीं पड़ी रही है, महंगाई जो है चरम सीमा पर है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ ही रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो इश्यू था वो वैसे के वैसे धरा, हर तरीके से हर जगह से जो है कहीं ना कहीं आम जनता पर मार पड़ी रही है, और खास करके एक साधारण वर्ग का जो एक परिवार है वो एक बहुत बड़ा सवाल लिए खड़ा है, कई नौकरियां जा चुकी है, तो अब इस स्थिति से कहीं ना कहीं हम एक चालना मिली थी, फिर से लॉकडाउन होगा तो फिर जिंदगी थम जाएगी। ये तो बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं इसका फर्क तो आने वाले समय में आप देख ही रहे हैं, बहुत जगह कई जगह आत्महत्याएं हो रही है, कहीं थोड़े से जो असामाजिक तत्व है वो भी इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। तो लॉकडाउन का जो आपने मुद्दा, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अगर आप कोई चीज़ का कानून की तैयारी करते हैं, आप संचार बंदी की व्यवस्था आप कर रहे हैं, तो बाकी लोगों का क्या जी, उनके लिए आप क्या साधन उपलब्ध कर रहे हैं? अगर आप संचार बंदी करेंगे तो बाहर निकलना बंद करेंगे, आप संचार बंदी करेंगे तो भाजी मार्केट बंद करेंगे, आप संचार बंदी करेंगे तो किराने की दुकानें सब सामान बंद करेंगे, सब बंद होगा। तो अगर ये व्यवस्था में हमारे लोग घरों के अंदर भूखे रहेंगे तो उनके पास सामान पहुंचाने की या लोगों को इंडस्ट्री या फैक्ट्री या ऑफिस में पहुंचने की क्या सुविधा रहेगी? तो इस बारे में निर्णय महानगर पालिका ने लेना चाहिए। ये इसमें ये महत्वपूर्ण बात है। मैं फिर से समन्वय की बात करूंगा, जहां हम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समन्वय की बात कर रहे थे, तुकाराम मुंडे जी ने अपनी बात कही डाली, उसी वक्त माननीय महापौर महोदय जी ने भी अपनी बात कही, उन्होंने भी आह्वान किया कि, और मैं आपको बता दूं दर्शकों ने भी महापौर महोदय को सुना होगा और मुंडे जी को भी सुना होगा, तो महापौर महोदय की जो बातों की शुरुआत थी वो उन्होंने ये कहा कि मैंने न्यूज से सुना, मैंने सोशल मीडिया पे देखा और कहा, न्यूज के माध्यम से मैंने ये सुना कि आदरणीय कमिश्नर महोदय ने ये कहा है कि लॉकडाउन की संभावना है और वो स्ट्रिक्ट संचारबंदी होगी, और उन्होंने कहा कि ऐसा करने से पहले आयुक्त महोदय 100 बार इस पर पुनर्विचार करें। तो ये जब दो एक जनप्रतिनिधि के जो नेतृत्व है वो और प्रशासन का नेतृत्व है, जब इस तरह से एक नागपुर जैसे शहर में लोगों के सामने अलग अलग जाते हैं। एक और टिप्पणी मैं आपसे करना चाहूंगा, अभी मैं आपसे सिर्फ एक नागपुर का नागरिक होने के नाते मैं सवाल पूछ रहा हूं, रैलियां हुई, एक लोगों का आह्वान करने की प्रक्रिया हुई जो आयुक्त मुंडे साहब ने भी करी और महापौर महोदय ने भी करा, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गए, क्या ये दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में जाते तो इसका इम्पैक्ट क्या होता? बिल्कुल जरूर अच्छा होता। मेरा देखिए, संदीप जोशी जी एक परिपक्व नेता है जी और इस नागपुर शहर के प्रथम नागरिक है और मेयर है, उनकी अगर पुरानी पृष्ठभूमि देखा जाए तो उनके बारे में लोगों का काफी सम्मान है, उनके किसी भी उन पर कोई ऐसा आरोप प्रत्यारोप नहीं है जी। लेकिन मेरा मैं एक आम के नाते अगर देखता हूं तो इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए
नागपुर शहर के बड़े लोगों ने इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के प्रति भाषण देते रहेंगे और एक दूसरे की जो बातें हैं प्रसार मीडिया के माध्यम से सुन के अपनी बातों को करेंगे, ये नागपुर की 30 लाख जनता के ऊपर अन्याय है। मैं निवेदन करना चाहूँगा जो हमारे देश के नागपुर शहर के बड़े राजनेता हैं, चाहे वो हमारे नितिन राउत जी हो, चाहे हमारे आदरणीय खासदार नितिन गडकरी जी हो, चाहे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र के हमारे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात हो, चाहे बीजेपी के प्रांताध्यक्ष हो, इन्होंने मिलकर इस चीज़ का त्वरित समाधान निकालना चाहिए। जनप्रतिनिधि और प्रशासक अधिकारी की जो भी आपसी तालमेल नहीं हो पा रहा, उनको बिठाकर उनके मनमुटाव दूर करके नागपुर शहर की जनता का सही ढंग से कैसे लाभ हो और किस तरह से कोरोना से बचे, इस बारे में बड़े नेताओं को सोचने की अत्यंत आवश्यकता है। नहीं तो इनके आपसी ताल, इनके दोनों के जो भी स्वाभिमान में कहीं उनका हर्ट हुआ होगा, कहीं उनका मन दुखा होगा, कहीं वैचारिक मतभेद होगा जी, तो हायर अथॉरिटीज है हमारे पास। मैं नगर सेवक को समझाने के लिए आमदार है, आमदार को समझाने के लिए खासदार है, एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का कायम करें। मैं माननीय नितिन गडकरी जी से निवेदन करता हूं कि उन्होंने इंटरवेंट करना चाहिए, एक साइड इनको बिठाना चाहिए, एक साइड इनको बिठाना चाहिए। अगर आपके रहते हुए नागपुर शहर की जनता भ्रम है, उनके साथ उनको उनको जो चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, तो इसका सारा एक चित्र जो मैं आपको बताऊं कैसे हो रहा है कि एक अगर सर्कल है, वो सर्कल में एक साइड में पूरी जनता है, बचा हुआ जो आधा भाग है उसमें जनप्रतिनिधि एक तरफ, प्रशासन एक तरफ, और ये सर्कल में इतना ज्यादा समन्वय का अभाव है कि जनता को पता नहीं जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है, और ये जनप्रतिनिधि और प्रशासन क्या कर रहा है जनता को पता नहीं। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं समन्वय की गड़बड़ ये है, लेकिन ये मुझे आज जो मैंने संदीप जी को सुनाया, आज जो मैं प्रशांत अपने तुकाराम मुंडे जी को सुनाया, तुकाराम मुंडे जी ने अपनी बात बहुत सटीक ढंग से कही है। उनकी जो जवाबदारी है, जिस जगह बैठे हैं, जिस चेयर पे, उसकी जवाबदारी को संभालते हुए उन्होंने बिल्कुल तरीके से कहा है कि भाई लॉकडाउन होना चाहिए, संचार बंदी होनी चाहिए, वो अपनी जगह सही है। बट एक जनप्रतिनिधि जिनके अधीनिस्थ हैं कमिश्नर या कमिश्नर उनके उनका तालमेल आपस में एक है, वो अलग अलग तरह से इस तरह की बातें करते हैं, तो इसमें जनता कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये लोगों को पता चल रहा है कि आपस में तालमेल नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं हम लोगों का नुकसान हो रहा है जी। राम किशन जी, चलते चलते मैं आपको एक सवाल, अहम सवाल पूछना है। आप संस्था से जुड़े हुए हैं और COVID-19 में शुरुआत से हम आपके संपर्क में हैं, और हर कदम पर हमने देखा है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लीक से हटकर की है जो कि जनसामान्य तक उसका सीधा सीधा असर और प्रैक्टिकल असर पहुंचे। और इसी कड़ी में आपने हाल ही में डिविजनल ऑफिस में एक वैन आपने जो है वो डोनेट कराई, और ये बेहतरीन उदाहरण आपने साबित किया कि क्योंकि कहीं ना कहीं जो है रूरल एरिया में, कहीं या डेंस एरिया में जो है वो इतनी तादाद में टेस्टिंग्स नहीं हो पा रही थी, उसके बारे में हमारे दर्शकों से थोड़ा सा बताइए। देखिए ऐसा है कि मैं करीबन मेरे ख्याल से मार्च महीने से, जब से कोविड कोरोना का संकट इस देश पर आया, तब से मैं काम कर रहा जी। और मेरे माताजी भी बहुत जन सेवा करती थी, उनकी बड़ी इच्छा थी लोगों के लिए काम करने की जी, जी। तो जो इस संस्था से बन पड़ा हमने किया, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे फूड वितरण हो, खाने के लिए जरूरतमंदों को खाना देना हो, चाहे यहाँ के श्रमिकों को उनके घर पहुँचाने के लिए उनकी टिकटों की व्यवस्था करना हो, चाहे बच्चों को न्यूट्रिस फूड देना हो, चाहे मास्क वितरण हो, कई सारे काम हमने किए। अभी अभी जो आपने उदाहरण दिया कि एक हमने कोविड वैन जी, टेस्टिंग वैन बनाई है जिसमें स्क्रीनिंग एंड सैंपलिंग दोनों एक काम होता है जी। अभी अगर आपको आपको जानकारी होगी, अगर हमें कोविड का थोड़ा संशय होता है और हमें सैंपल लेना है तो हमें मेयो या मेडिकल में जाना पड़ता है जी, और सैंपल देने के बाद हमें 24 घंटे के लिए वहीं एडमिट होना पड़ता है जी, जिसके कारण वहाँ संक्रमित तो है उस एरिया कंटोनमेंट जी एरिया में हमें रुकना पड़ता है। रुकने का तो आधा आदमी वैसे ही अपने आप को तो मानसिक तौर पर ही वो मानसिक तौर पे आधा हो जाता है। तो ये वैन का एक फायदा ऐसा है कि अभी संख्या बढ़ चुकी है, 100, 125, 150 तक संख्या जा रही है जी, पर डे। तो इतने लोगों को प्रशासन द्वारा घर से लेकर हॉस्पिटल लाना, उनका सैंपल करना, उनको कंटेनमेंट एरिया में रखना, ये बड़ी मुझे लग रहा था ये ठीक नहीं है। हमने उसके ऊपर हमारे डॉक्टर समीर रॉबर्ट जी हैं और उनके एक फ्रेंड इटली में है, उनके साथ बातचीत करके हमने एक प्रेशर
वैन बनाई। वैन बनाई जिसके अंदर मैं हेपा फिल्टर लगाया, जो कि हम जो मास्क पहनते हैं जी N95 उसके अंदर उस टाइप का फिल्टर होता है, ताकि बाहर की जो भी वायरस है वो अंदर आता कंटेमिनेटेड एयर जो है अंदर नहीं आता, और एयर टाइट कंटेनर है उसमें पॉजिटिव प्रेशर है जिसके कारण आपका बाहर की जो हीट है वो भी अंदर नहीं आती। इस टाइप का एक छोटा बॉक्स हमने बनाकर वैन पर रखकर हमने डिविजनल कमिश्नर साहब को, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले जी और हमारे नागपुर के सामान्य पालक मंत्री नितिन राउत जी के हस्ते हमने ये उनको हैंडओवर की। हैंडओवर करने के बाद मेरी एक गुजारिश सबसे रही है, मैं आज 2 दिन से फॉलोअप कर रहा हूँ जी, कॉरपोरेशन के साथ भी फॉलोअप कर रहा हूँ और डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के साथ भी फॉलोअप कर रहा हूँ। मेरा उनसे बार बार निवेदन ऐसा है कि इसका सही ढंग से वापर हो जी। आपने तो दे दिया, उसका जो जिम्मेदारी उनको उसका इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग हमने उनको गाड़ी भी दी है, गाड़ी के साथ ड्राइवर भी दिया है, ताकि आपको कोई ड्राइवर ढूंढने की जरूरत नहीं है जी। आपको डॉक्टर को बिठाना है और कंटेनमेंट एरिया में जहां जहां पे जरूरत है वहां पे जाके उसकी स्क्रीनिंग और सैंपलिंग। आपको तो एक तो स्क्रीन में आधे लोग तो वैसे निकल जाएंगे, क्योंकि स्क्रीनिंग करेंगे आप टेम्परेचर देखेंगे जो WHO नॉर्म के 4 से 5 सवाल है वो पूछेंगे, तो ऑटोमेटिक आप में वहां 50% लोग वहीं छट जाएंगे। अगर आपको स्क्रीनिंग में लगता है कि बंदा कोरोना से थोड़ा प्रभावित हो रहा है तो उसका वहां पे आप स्वैब टेस्ट लेके तुरंत आप सैंपल भेज दीजिए और उसको हिदायत दीजिए कि आप जाके आइसोलेट हो जाइए, जब तक आपकी रिपोर्ट आती नहीं आप आइसोलेट हो जाइए। तो ये सब करने के लिए हमने किया, क्योंकि 30 लाख की जनता के बीच में 2-4 हजार हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी जो बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो पूरे नहीं पड़ेंगे, हो सकता है कि ये हमारा प्रयास सफल हो, इस माध्यम से हमने दिया जी। और आपने वो वैन के पीछे का पर्पज ये भी है कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी है वो भी स्वस्थ रहे, वो भी स्वस्थ रहे, वो अंदर उनको कोई तरह का खतरा ना जी हो। जी वो कंटेमिनेट ना हो। ये बहुत बेहतरीन आपने इनिशिएटिव लिया है जी। अब फिर हम चलते चलते वही बात करेंगे कि लॉकडाउन से जनता कैसे अपने आप को संभाले, अगर लॉकडाउन नहीं करना है तो जनता ने क्या करना है, बार बार तो आह्वान कर चुके हैं हम लोग। जनता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जनता, मेरे नागपुर की जनता से मैं नम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लोगों से कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे बचना निहायत ही जरूरी है। ये जान की जोखिम इसमें परसेंट कम है, लेकिन आपकी बीमारी को फैलाने की जोखिम ज़्यादा है। इसमें बहुत सरल चीज़ें हैं कि आपको कम से कम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और जहाँ भी जाए आप मास्क लगा के जाए, कम से कम अगर आप किसी के को संक्रमित न करें और आप खुद भी ना हो, इसका ध्यान रखेंगे तो ही प्रशासन हमें सहयोग करेगा, प्रशासन को ऐसे कड़क निर्णय नहीं लेने पड़ेंगे, जनप्रतिनिधि को भी तकलीफ नहीं होगी और हमें हमारे परिवारों को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि संख्या के इसकी संख्या बहुत फास्ट बढ़ती है, इसका जो जो इसका फैलाव होता है, संक्रमण होता है बहुत फास्ट होता है, जिसके कारण हमारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती है, और अगर स्वास्थ्य सेवाएं चरमराएगी तो हमको और आपको इस जनता को तकलीफ होगी, और इसलिए एक व्यक्ति से बाकी लोगों को भी काफी सारी तकलीफ, एक व्यक्ति से 400-500 व्यक्तियों तक पहुंचने में समय नहीं लगता है। मेरा नागपुर शहर की जनता से ये अपील है, निवेदन है कि उन्होंने अपने आप को कम से कम सोशल डिस्टेंस रखना, मास्क पहनना, और जो दिनचर्या में जो 2-3 चीजें हैं, काढ़ा पीना या गर्म चीजों का सेवन करना, अपनी सेहत के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखें, इसी से ही हम इससे बच सकते हैं। प्रशासन के पास बहुत लिमिटेड सोर्स है जी, बहुत लिमिटेड संख्या में कर्मचारी हैं, उनको भी हम किस तरह, हम ज़्यादा अगर इसमें ध्यान नहीं देंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं खतरे में डालेंगे, और वो भी खतरे में आ गए, हम भी खतरे में आ गए तो उसका हश्र आपको सामने बहुत बुरा, और उसका नतीजा बुरा ही होगा, बुरा होगा, ये मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशन जी। मैं दर्शकों से फिर आपकी ही बात दोहराना चाहूँगा कि एक जो वो दौर था जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो कोरोना का जो है प्रभाव कम था लेकिन डर ज़्यादा था, बाद में यह हुआ कि कोरोना का डर लोगों के मन से कम होता गया लेकिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते गए। अब फिर वो है नागपुर की अगर मैं बात करूं तो नागपुर में रोज आंकड़े जो है 100 की तादाद में है, मृत्यु दर जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन कल चलकर सख्ती करे, ऐसे आसार जो है प्रशासन के नेतृत्व ने हमें बिल्कुल दिखा दिए हैं। ये सख्ती अगर नहीं चाहते हैं, हमारे दिनचर्या क्रम पर फिर से बर्बाद नहीं करना चाहते और एक अच्छे सुचारू जीवन में अगर हमें जीना है
तो कहीं ना कहीं हमें आज ही डिसिप्लिन में रहना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर से संचार बंदी जो कि बहुत कड़क होगी उसका सामना हमने करना पड़ेगा, और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर से वो बेरोजगारी, फिर से हमारे घर में खाने पीने की चीज़ों का अभाव, ये सारी चीज़ों से हम चाहेंगे। तो अपने आप से हमें सवाल पूछना है कि क्या हम मानसिक रूप से, हमारी आर्थिक दृष्टि से, क्या हम इस आने वाले लॉकडाउन के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो आज ही हमें अपने आप को बदलना होगा, आज ही हमें अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होगा। मैं इन विषय के दर्शकों से फिर से एक बार अपील करना चाहूँगा, स्वस्थ रहे, घर में रहे, आइसोलेट रहे। बहुत बहुत धन्यवाद ओझा जी आपका। धन्यवाद सर, शुक्रिया, नमस्कार।